हाल प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें मेरी माता जी तो खोड़िया में दक्षिण क्षेत्र खुनसान में पैदा हो गई उनकी उम्र सोलह तक तो उनके घर बहुत धनबाद तो का घर था लेकिन नाना जी के बीमारी की वजह से तीन साल के दौरान उनकी सारी संपत्ति तो बिल्कुल उड़ गई इसलिए नाना जी के मरने के बाद उनके मिसेस और नानी और उनके जो सब बच्चे तो शौर में आके रहने लगे लेकिन झुकी में बिल्कुल आने लगी और चावी खोद के उसको दाँप के वहाँ एक परिवार रहने लगे बहुत मुश्किल था बहुत कंगाल थी और बहुत भुखमौरी तो उनके साथ थी लेकिन अचानक पड़ोस में एक जो एन थी कभी कभी जो उनके पास आती थी और जब आती है तो चावल को लेके आती थी चावल को खाना भी बहुत मुश्किल था जब वो चावल को लेके आती है तो सारे परिवार तो बहुत खुश से खाना खा सके इसलिए जब माता जी सोलह साल की थी तो उनको ये लगा कि ये एन बहुत बहुत तो सचमुच में अच्छी एंथी है और जब जब वो आती है तो बहुत खुश थी एक दिन वो आंटी आके उसने कहा कि बेटी तुम तो मेरे साथ कुछ कहीं जान, जा जाना पड़ेगा तो इसलिए जब मेरी माता जी तो पहले सोच सोचा ओके मैं आंती के साथ कहीं जाऊंगी लेकिन अचानक उनके मामा की बात याद आई उनके मामा माताजी के परिवार से पहले तो सोल में आ चुके थे तो मामा जी ने यह चेतावनी दी थी बेटी शौर शौर में कोई जो अनजाम व्यक्ति तुमको कहीं जाने के लिए तो बोलते हैं कभी उनके साथ मत जाना शौर बहुत खतरनाक जगह है महमाज की ये बात अचानक याद आ गई इसलिए पताजी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी बहुत बहाना बनाना शुरू किया तब से वो जो एंथी खायब हो गई वापस नहीं आई ये कौन थी ये मर्ब तस्कर करने वाली थी विशाल में लड़कियों को लेके बेचने वाली थी अभी मेरी माता जी की आयु तो अस्सी के ऊपर है अभी भी उस टाइम की बात आ, करते हुए धन्यवाद देते हैं कैसे अचानक मेरे मामा की जो बात की याद आ गई मेरे को मैं बच गई नहीं तो मेरे जीवन कितना बर्बाद हो गया होगा और धन्यवाद किया परमेश्वर का परमेश्वर ने मुझको जो परमेश्वर को नहीं जानती थी फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की और मुझे फास्टर के माता जी बनाने के लिए इस तरह अनुग्रह किया है मनुष्य की बात की याद करते हुए भी इस तरह मनुष्य जीवन बच जाते हैं अगर हम हमारे परमेश्वर की बात याद करते हैं उनको याद करते हैं तो परमेश्वर कितना गहराई से हमें आश करेंगे आज के वचन सब उपदेश बारहवीं से के साथ तक अपनी जवानी के दिनों में अपने श्रृजान हार को स्मरण रख इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगाता इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर घिर जाएं उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसन हारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और में से देखने वालियां आंधी हो जाएगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पिसने का शब्द धीमा होगा और उत्तर के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा फिर जो ऊंचा हो उससे भया खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वास्ते मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टीढ़ी भी भारी लगेगी और भूख भराने वाला फल फिर काम न देगा क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सरक सरक फिरेंगे उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोने के पास घरा फूटेगा और कुंड के पास रह टूट जाएगा जब मिट्टी ज्यो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी इन इंग्लिश एक्लेव वर्स इज वन टू सेवन रिमेंबर योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ बिफोर द डेज ऑफ ट्रबल द्रोव And the years approach when you say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain. When the keepers of the house tremble, and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim. When the doors to street are closed, and the sound of grinding fades, when men rise up at the sound of birds but all their songs grow faint, when men are afraid of heights and of dangers in the street, when the almond tree blossoms and grasshopper drags himself along and the child no longer is stirred, then man goes to his eternal home and mourners go about the street remember him before the silver cord is severed, or the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring, or the wheel broken at the well, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to god who gave it. ask bhupatischka point one. remember your creator. पहले दूसरा पद अपनी जवानी के दिनों में अपने हर को स्मरण रख इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगाता इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागान अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर घिर जाएं पिछले साल ग्यारहवीं महीने में तीन तारीख को विपत्तियों के थैथिल से एक समन उपदेश अवलोद किया था और दो महीने बीस दिन के बाद एकाजर व्यू पार किया है सबसे कम समय में एक्काजर व्यू पार किया है मैं धन्यवाद दिया मैंने लेकिन यह भी सोचा कि यह विपत्तियों का विषय सचमुच में लोगों के लिए बहुत महत्व है इसलिए काफी लोगों ने इस तरह सोच किया होगा हाँ बाइबल के अंदर सब उपदेश नौ का बारह इस तरह लिखा है कि क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता जैसे मछलियां दुखदाई जाल में भजती और चीरिए फंदे में फंसती हैं वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं, हैं। मनुष्य विपत्तियों के सामने ज्योति को आनंद को खो देते हैं और निराशा के समय जीते हैं उन मनुष्यों के लिए बाइबल ये कहती है कि आज के पचम में अपने सृजन हर को स्मरण रख अपनी जवानी के दिनों में क्यों क्योंकि सृजन परमेश्वर ही अपने उद्देश्य को और अपने वचन को स्मरण करने वालों की मदद कर सकते हैं उनको बचा सकते हैं सृजनहार ने ज्योति को बनाया है इसलिए जो अंधकार में निराशा होकर रहते हैं उनके लिए आशा की ज्योति प्रकट कर सकते हैं जो सृजनहार परमेश्वर की याद करते हुए चीते हैं उनके लिए परमेश्वर आनंद और सामर्थ्य देते हैं भूढ़ापे में बिल्कुल मौत के सामने पछताने वाले मौत पने वरन अपनी जवानी में जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रख के उनके संग संग जीने वाले तन्या जीवन पंजाएं। उपदेश का पॉइंट टू, जीवन घास और पुल है। Life is grass and flower। आज के पंचन तीसरे से पांचवीं तक, उस समय घर के पहरों कांपेंगे और बलवान तो झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और चारों कोमे से देखने वालियां आंधी हो जाएगी और सड़क की ओर के, के बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तुरके चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में दौड़ावनी वास्तविक मानी जाएंगी और बाद बादम का पेड़ फूलेगा और टीढ़ी भी भारी लगेगी और भूख भराने वाला फल फिर काम न देगा क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीतने वाले सड़क सड़क फिरेंगे तीसरे से जो पांचवीं तक ये ये पद मानव जाति के बिल्कुल सामान्य बातों के बारे में बताते हैं पुरापे के बारे में और मौत के बारे में वर्णन करते हैं जब पुरापे में आ जाते हैं तो मनुष्य के सारे जो ऑर्गन्स के काम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं जब दांत की तुलना है और ये जो आँखों की तुलना है आँख भी धीमी हो जाएगी दांत तो निकल जाता है और इसी पीसना मुश्किल होता है और डर लगता है और आना दुखायाब हो जाता है और जीना भी बहुत बोझ सा लगता है यहाँ तीदी भी भारी लगेगी इस तरह वर्णा किया गया है और सारी इच्छा बिल्कुल कम कम हो जाती है खत्म हो जाती है मनुष्य जीवन का जो आनंद बिल्कुल खत्म होने जाते है और मर जाते हैं, हैं, हैं। मनुष्य जीवन वास्तव में घास जैसा है और खास कर फूल जैसे होता है इस जीवन के गर्व का कारण क्या है आपके जीवन के गर्व का कारण क्या है क्या पैसा है ज्ञान है स्वास्थ्य आपके कोई गुण हैं या कोई ऐश है ये सब चीजें बिल्कुल खत्म होने वाली है व्यर्थ चीजें हैं यशाया की किताब बाइबल के अंदर चार्सबिंग आठ में इस तरह लिखा है कि खास तो सुख जाती और फूल मुरझा जाता है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव आट रहेगा मनुष्य जीवन खास जैसा है और फूल जैसा है इसलिए हमें अपने सृजन हर को स्मरण रखना है सनातन कल परमेश्वर को हम ताकते रहेंगे तो इस बदलने वाली सारी चीजों से धोखा नहीं खाएंगे इनके बिल्कुल फंदा में नहीं चले जाएंगे इनके बिल्कुल कैद न बन जाएंगे और कभी ये चीजें ये संसारिकता हमारे मन को छीन नहीं पाएगी निराशा से भरे हुए बिल्कुल प्रापे में सब चले जाते हैं और मौत आ जाती है उससे पहले उससे पहले अपने परमेश्वर हर को स्मरण रखें उपदेश पॉइंट परमेश्वर के न्याय से पहले बिफोर द जजमेंट ऑफ गॉड छतवीं सातवीं में इस तरह लिखा है कि उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास खड़ा फूटेगा और कुंड के पास रह टूट जाएगा जब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी ये दो पद मनुष्य जीवन के और मनुष्य जीवन की महिमा के अंत के बारे में और मृत्यु के बारे में इस तरह वर्णन करते हैं जैसे खड़ा फूट फूटता है और रहट टूट जाता है वैसे ही मनुष्य जीवन खत्म हो जाता है इसलिए मनुष्य जीवन बाइबल के अंदर तो इस तरह वर्णन करते हैं कि मनुष्य जीवन क्या है ये मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी हो होने के नाते मनुष्य अपने ऊपर कर्व नहीं कर सकते हैं हमेशा तीन नम्र होके अपने सृजनर परमेश्वर का भया करना है भया रखना है जब पहले आदमी आदम पाम में गिरा तो उसको सजा मिला है और परमेश्वर ने यह कहा कि तो मिट्टी तो है इसलिए मिट्टी में मिल जाएगा और मनुष्य जीवन आत्मा भी है आत्मा भी परमेश्वर ने बना के दिया है तो जब मनुष्य जीवन मर जाते हैं तो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है इस तरह लिखा है इसका मतलब क्या है हमारे आत्मा परमेश्वर के पास लौटने का मतलब क्या है मतलब यह कि सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे नहीं नहीं कभी नहीं बाइबल क्या बताती है यह बताती है कि जब मनुष्य मर जाते हैं तो परमेश्वर का न्याय किया जाता है एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने लूका राज्य समाचार में लिखा है धानी एक धानी और लाजर नाम का कंगल व्यक्ति का जो दृष्टांत है उसमें दो पद इस तरह मैं पढ़ना चाहता हूं लूका सोला बिंग अध्याय बाईस तेईस दोनों मर गया एक दिन धानी में मर गया और कंगाल में मर गया लाजर नाम का तो क्या हो गया उनका बिल्कुल अलग अलग जगह में पाए गए हैं और ऐसा हुआ कि वो कंगाल यानी लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया विश्वास का पूर्वज है मतलब स्वर्ग में वो पहुंचाया है और वो धनभाम भी मरा और गारा गया और अधोलोक में उस उसने पीरा में पड़े हुए यानी उस धनबाद ने पीरा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा मतलब परमेश्वर का भया मानने वाले लाजर तो स्वर्ग में पाए गए लेकिन धनबान जो निर्दया जीवन जीते थे वो, वो अधोलोक में यानी आग में आग की जगह में पाए गए इस तरह धारी व्यक्ति और कंगल लाजर के जो दृष्टांत में प्रभ ने स्पष्ट कहा कि जब मनुष्य मरेंगे तो उनकी आत्मा दो जगहों में से एक में चले जाती है अब्राम की गोद में यानी स्वर्ग में या अधोलोक में इंग्लिश में हेल आग से जबड़ी हुई जगह में पहुंचते हैं आज के प्रदेश का कंक्लूजन है फिर से वो प्रश्न लेके आए हैं अपने श्रीजांधर को स्मरण रखना क्या है दो बातें हैं। है। पहले श्रीजांधर परमेश्वर का भया मानना है यहोवा का भया मानना है और उनके वचन उनकी आज्ञाओं का पालन करना है यानी बाइबल का पालन करना है तब उपदेशक बारहवीं का तेरहवीं इस तरह लिखा है कि सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भया मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है क्योंकि सृजनहर परमेश्वर यह हुआ ही हमें अनेक विपत्तियों में से पीराओं में से आशाहीन प्राप्य में से और मृत्यु में से और आने वाले न्याय में से हमें बचा सकते हैं हमारी मदद कर सकते हैं पार्वन के अनुसार हम ये जान गए कि आदि में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है और मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहा लेकिन मनुष्य ने पाप किया है इसलिए वो आशीष ही मनुष्य से दूर चली गई है इसलिए परमेश्वर ने प्रभ को भेजा था कि में मन जो पाप में गिरे हैं ज्योति पाएं शांति पाए, पाए अनंत जीवन पाए जैसे बाइबल के अंदर अब्राहम जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है धर्मी था रह गए परमेश्वर के संतान बन चुके हैं वैसे ही पापी भी जब प्रभु ईश्व पर विश्वास करते हैं प्रभु ईश्वर को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं इसलिए परमेश्वर श्री हार को स्मरण करना के मतलब क्या है परमेश्वर युवा का भया मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना और सेकंड थिंग यह है कि स्वयं परमेश्वर है प्रभु मसीह और के वचन है और हमें विश्वास दिलाने आए हैं प्रभु ईश्वर पर विश्वास करना श्रियहर को स्मरण रखना है क्योंकि युवाना की किताब पाव के अंदर में एक तीन में इस तरह लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ कौन प्रभु ईश्व के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी उसके बिना प्रभु यीशु के बिना उत्पन्न न हुआ, प्रभु यीशु मसीह कौन है न केवल मुक्तिदाता दाता शांति दाता है जीवन दाता है, है। प्रभु यीशु के द्वारा आप बनाए गए प्रभु यीशु के द्वारा हम बनाए गए प्रभु यीशु के द्वारा सारी सृष्टि बनी है परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु ईश्व को भेजा जाता कि वो हमारे पापों के लिए पाप के प्रश्न बन जाए हमें शांति और अन जीवन देने वाले मुक्तिदाता बन जाए प्रभु ईश्व पर विश्वास करना और परमेश्वर का भय मानना उनकी आज्ञाओं का पालन करना ये सृजन हर परमेश्वर को स्मरण करने का तरीका होता है इस तरह श्री हर परमेश्वर को स्मरण करके अब स्वच्छ मुझ में के धन्य जीवन जाए प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें